लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है। कार्यकर्ताओं की मांग राजनीतिक दलों द्वारा बढ़ गई है। 4 साल तक कार्यकर्ताओं से दूरी बनाए बैठे नेताओं ने कार्यकर्ताओं को मनाना शुरू कर दिया है। अनेक कार्यकर्ता पार्टी के टिकट के लिए दावेदारी करने और अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को खुश करने में लगे हुए हैं ताकि पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाए। साथ ही ऐसे दावेदार क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को खुश करने अपने लिए समर्थन जुटाते हुए भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं तथा अनेक आयोजनों के माध्यम से उन तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के एक विधानसभा दुर्ग ग्रामीण ऐसा विधानसभा है जहां वर्तमान में किसी दल के कार्यकर्ता ना होते हुए भी अपनी संस्था द्वारा दुर्ग ग्रामीण विकास मंच परिवार के बैनर तले सभी राजनीतिक दलों का आह्वान कर रहे हैं कि सभी दल स्थानीय कार्यकर्ताओं के सम्मान में उनमें से ही किसी को पार्टी प्रत्याशी घोषित करें और इसके लिए दुर्ग ग्रामीण विकास मंच परिवार के संयोजक सतीश पारख ने अनोखा तरीका तैयार किया है कि उन्होंने क्षेत्र के सांकेतिक उपवास प्रारंभ कर राजनीतिक दल के नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को भी जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि दुर्ग ग्रामीण की सियानी मतदाता दुर्ग ग्रामीण के कार्यकर्ता को ही सौंपे। इसके लिए भी कार्यकर्ता भी अपने नेताओं के सामने स्थानीय कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाने की मांग दमदारी से रखे। विधानसभा के मंच में खड़े हैं जहाँ पे सतीश पारख जी अपने सांकेतिक उपवास में अटल हुए हैं और अपना बात रखे। आप ये जो सांकेतिक उपवास कर रहे हैं सर, इसके बारे में हमको थोड़ा विवरण दीजिए, वर्णन कीजिए कि ऐसे आप अकेले क्यों बैठे हैं और ऐसे क्यों कर रहे हैं। आने वाले कुछ महीनों में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के चुनाव होने हैं, पूरे छत्तीसगढ़ विधानसभा में चुनाव होने हैं। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र जब से ही अस्तित्व में आया है तब से दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व दूसरे विधानसभा के रहने वाले लोगों ने किया। मैं अपना मंच दुर्ग ग्रामीण विकास मंच परिवार जो मेरा मंच है उसके बैनर तले मैं पूरे विधानसभा के प्रमुख केंद्रों में सांकेतिक उपवास में बैठकर इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से और इस क्षेत्र के मतदाताओं से आह्वान कर रहा हूं कि इस बार दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व हमारे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला ही कोई कार्यकर्ता करे, न कि दूसरे विधानसभा के रहने वाला कोई व्यक्ति। और इस मिशन के माध्यम से मैं राजनीतिक दलों को एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि वो हमेशा जो दूसरे विधानसभा के रहने वाले लोगों को प्रत्याशी बनाते आए हैं, इस बार दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मान करें, उनकी मेहनत का सम्मान करें, वर्षों से जो पार्टी के प्रति समर्पित भाव से वो काम कर रहे हैं उसका सम्मान करते हुए उनमें से ही किसी को दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का प्रत्याशी बनाएं। आपका उद्देश्य? मेरा मूल उद्देश्य यही है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान हो और उन्हें राजनीतिक दल प्रत्याशी बनाए। मतलब किसी भी दल से नहीं, ये आपका ये अलग से मिशन है? मेरा ये मिशन किसी भी दल के न समर्थन में है न किसी भी दल के विरोध में है। अच्छा। बल्कि मेरा ये मिशन दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के सम्मान के लिए है। छत्तीसगढ़ी में मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि हमारे घर के सियानी, हमारे घर के लड़का, हमारे घर के दीदी, हमारे घर के भाई करी, हम पड़ोसी ला हमारे घर के सियानी नहीं करा। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र जिसका नवोदय हुआ उसके बाद से लगातार दोनों ही विधानसभा चुनाव में दूसरे विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले लोगों ने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया। राजनीतिक दलों ने दूसरे विधानसभा से प्रत्याशी तय करके यहाँ लाकर कार्यकर्ताओं के ऊपर मतदाताओं के ऊपर थोप दिया। इस बार के 2018 के विधानसभा चुनाव में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में इस बात का दुर्ग ग्रामीण विकास मंच परिवार के साथ साथ पूरे कार्यकर्ता और मतदाता पूरे जोर शोर के साथ विरोध कर रहे हैं, क्योंकि दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने इस बार ठाना है कि अपने घर की सियानी हम पड़ोसी को नहीं करने देंगे। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र कोई चारा का नहीं कि दूसरे विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले लोग यहाँ आ करके हमारे खेतों को चर लें और यहाँ का नेतृत्व करें। इसलिए इस बार के चुनाव में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ही कार्यकर्ता को सौंपने का आह्वान दुर्ग ग्रामीण विकास मंच परिवार राजनीतिक दलों से करने के खातिर यह मिशन चला रहा है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की ये मंशा है कि इस बार राजनीतिक दल उनमें से किसी को प्रत्याशी घोषित करे ताकि उन्हें अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर प्राप्त हो। दुर्ग ग्रामीण विकास मंच परिवार भी इसी मिशन को लेकर पूरे विधानसभा क्षेत्र के 11 मुख्य केंद्रों में
सांकेतिक उपवास के रूप में राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ मतदाताओं को भी जगाने का एक प्रयास कर रही है, ताकि इस बार के चुनाव में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ही स्थायी निवासी किसी कार्यकर्ता को सौंपा जा सके। ऐसे खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।